Hi friends, this is Madhulika. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंपल प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ करके एक स्पून होल्डर कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैंने यहाँ पे 2 लीटर की प्लास्टिक बॉटल को यूज़ किया है। आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद में एक मार्कर की हेल्प से हम यहाँ पे एक लाइन मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं एक कटर ले रही हूँ। कटर से मैं इसको मार्किंग लाइन को कट करूँगी। और ध्यान रहे, आपको ये काम बहुत सावधानी से करना है। कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से ये आपको कुछ रफ़ एजेस मिलेंगे, तो आप इसको कटर से थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए और बहुत केयरफुली आपको कट करना है। बॉटल वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल MR, नैपकिन पेपर और ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कोई भी खाली कंटेनर में मैंने फेविकॉल MR और वाटर मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी किया है। 1 स्पून फेविकॉल और 1 स्पून वाटर को यूज़ किया है। ब्रश की हेल्प से मैंने जो फेविकॉल का मिक्सचर रेडी किया है वो बहुत पतला कोट करके मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। हाफ साइड फेविकॉल का कोटिंग करने के बाद अब मैं नैपकिन पेपर के ऊपर अपना बॉटल रख रही हूँ और मैं बहुत ही धीरे हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये फट नहीं जाए। अगेन हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है और फेविकॉल लगाते हुए नैपकिन पेपर को बहुत ध्यान से इसके ऊपर कवर करेंगे। पूरी बॉटल को इस तरह से हम कवर करेंगे। इसको लगाने के लिए अगर ये आपके हाथों में स्टिकी हो तो आप नैपकिन पेपर का यूज़ कर सकते हैं आपको स्टिक करने के लिए, जैसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि काफ़ी जगह से यहाँ पे पेपर टियर हो गया है मेरा, तो मैं इसके लिए एक कोट फिर से फेविकॉल का लगाऊंगी और उसके बाद सेम प्रोसेस करते हुए नैपकिन पेपर इसके ऊपर पूरा कवर करूँगी। बहुत ही धीरे से आपको ये प्रोसेस फिर से करना है। नैपकिन पेपर के 2 लेयर कवर होने के बाद ये सूख चुका है और फिर से मैं एक फेविकॉल का कोट इसके ऊपर फुल बॉटल के ऊपर लगा रही हूँ। फेविकॉल का एक कोट करने के बाद मैंने इसको पूरा अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और आप देखिए ड्राई होने के बाद कैसा लग रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी। ब्लैक एक्रेलिक कलर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और उसके साथ साथ मैं गोल्डन कलर भी यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ साथ आपको 2 ब्रशेस की भी ज़रूरत होगी दोनों पेंट के लिए। सबसे पहले मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और ब्लैक एक्रेलिक कलर को यूज़ करने के लिए मैं इसके अंदर वाटर मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे बॉटल पर यूज़ कर रही हूँ।
ब्लैक कलर का सिंगल कोट कंप्लीट होने के बाद आपको इसको पूरा अच्छी तरह से ड्राई करना है ताकि आप गोल्डन कलर का यूज़ कर सको। और यहाँ पे मैंने फैब्रिका का गोल्डन कलर यूज़ किया है। अब अगेन आपको एक ब्रश यूज़ करना है गोल्डन कलर के लिए, और ब्रश को बिल्कुल ड्राई रखना है, इसमें बिल्कुल भी वाटर मिक्स नहीं होना चाहिए, और एक ही डायरेक्शन में आप इसे कलर करेंगे ताकि आपको जो इफ़ेक्ट है वो दिखे। और गोल्डन कलर का यूज़ आपको बहुत कम करना है, बहुत ज़्यादा ब्रश में नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको ब्रश को ड्राई रखते हुए इसको कंटिन्यू करना है। पूरे बॉटल पे आपको इस तरह से इफ़ेक्ट देना है। गोल्डन कलर का आपको एक ही कोट करना है, और ये देखिए कितना सुंदर इफेक्ट निकल के आया है। और पूरा इसको ड्राई करना है आपको। ड्राई करने के बाद यहाँ पे मैं एक थिक थ्रेड ले रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे फेविबॉन्ड यूज़ कर रही हूँ इसको स्टिक करने के लिए। फेविबॉन्ड की जगह आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ और मैं एक थिक लेयर लगा रही हूँ। फेविबॉन्ड लगाने के बाद अब मैं बहुत केयरफुली इसके ऊपर थ्रेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसके अपर पार्ट को डेकोरेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसकी 4 लेयर ही यूज़ करूँगी। अगर ये थ्रेड थोड़ा आगे पीछे स्टिक हो गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसे अंगुलियों के प्रेशर से इसको सेट कर सकते हैं बहुत इजीली। और ये बिल्कुल रेडी है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है रेडी होने के बाद। तो आप भी इस तरह से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके एंड रिसाइकल करके बहुत ही अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए।